नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग बैठे हुए कुछ स्ट्रेचिंग के अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। पहला अभ्यास, हम लोग दोनों हाथों पहले जाएंगे। इनहेल, लिफ्ट योर आर्म्स अप, फिंगर्स को इंटरलॉक करें, स्पाइन को पूरा स्ट्रेच करें, ऊपर देखें, पूरा स्पाइन खींच के रखें। वन होल्ड करें, ब्रीदिंग नॉर्मल रखें, लंबी गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। टू, डू नॉट होल्ड द ब्रेथ, आपको सांस लगातार लेते रहना है, छोड़ते रहना है, सांस को रोके नहीं। फोर, फाइव, सांस को छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएं, हाथ सर पर रख सकते हैं। एक बार और, सांस भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएं, पूरा स्पाइन ऊपर की ओर खींचें। ध्यान रखें आपका जो हिप्स है वो प्रॉपरली फ्लोर पर रहना चाहिए, आपके दोनों घुटने फ्लोर की तरफ, पूरा स्पाइन ऊपर की तरफ खींचा हुआ, टेल बोन ऊपर खींची हुई। वन, सांस लेते रहें। टू, थ्री, फोर, फाइव, सांस छोड़ते हुए हाथ को सर पे लाएंगे। आखिरी बार एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लें, पूरा स्पाइन ऊपर की ओर खींचे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सांस छोड़े हाथ नीचे लाएं, फिर हाथ को दोनों हाथ नीचे लाएंगे। अब पहला स्पाइन ऊपर की ओर स्पाइन खींचा गया, अभी हम स्पाइन को लेफ्ट और राइट बेंड करेंगे। सो पहले बाई तरफ लेफ्ट एल्बो को अपने जो नी है उसके पैरेलल, उसी के पैरेलल फ्लोर पर, लेफ्ट एल्बो को फ्लोर पर रखिए। इनहेल, ये हाथ ऊपर उठाइए और प्रॉपर साइड बेंड कीजिए। आपको ऊपर देखना है, ऊपर वाला कंधा ऐसे ना आने पाए, इसको पीछे को पुश करना है ताकि प्रॉपर साइड बेंडिंग हो सके। होल्ड, वन, टू, ब्रीदिंग करते रहे। थ्री, अब यही अभ्यास दाहिनी तरफ, फिर से नी के पैरेलल आप राइट शोल्डर को फ्लोर पर रखें, ये वाला हाथ ऊपर ले जाएं, कोशिश करें दूसरा घुटना फ्लोर पर रहे, फिर ऊपर देखें, कंधे को पीछे को पुश करें साइड में। होल्ड, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, इनहेल, ऊपर आएंगे। इसका दूसरा वेरिएशन, अभी आपको एल्बो को फ्लोर पे नहीं रखना, आपको हाथ एक्सटेंड करना है। सो नीचे वाला हाथ एक्सटेंड करें जितना आराम से हो सकता है, चाहिए ऊपर वाले हाथ को सांस भरते ऊपर उठाइए एंड हिप्स को फ्लोर पे रखते हुए साइड बेंड करेंगे। ऊपर देखिए, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, इनहेल, धीरे से ऊपर आएंगे। अब राइट साइड, राइट हैंड फ्लोर पर रखें, स्लाइड करते हुए इसको नीचे ले जाएं, इसको ऊपर उठाएं। इनहेल, एक्सहेल, हाथ नीचे आएंगे। नाउ ब्रीद एंड होल्ड, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, इनहेल, ऊपर आएंगे।
बार फिर से लेफ्ट साइड स्ट्रेच करें प्रॉपरली, मेक श्योर आपके दोनों बटक्स फ्लोर पे रहे, पूरा स्ट्रेच आपके साइड मसल्स में आना चाहिए, स्पाइन को लेटरल बेंड करेंगे, फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं। स्लाइड इट, लिफ्ट इट अप, ऊपर देखिए, ब्रीथ एंड होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, inhale up. Now right side again, place your palms right, extend your arms properly, again bring it down, look up, stretch your side muscles, breathe and hold, 1, 2, 3, 4, and 5, inhale up, very nice. अभी दोनों हाथ सांस भरते फिर से ऊपर ले जाइए, फिंगर्स इंटरलॉक करें, पाम को ऊपर की तरफ टर्न करें, पूरा स्पाइन ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, सेम पोजीशन में लेफ्ट साइड बेंड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, इनहेल अप, राइट साइड बेंड करेंगे, 1, कोशिश करें अपर बॉडी ओनली, 2, 3, 4, 5, inhale up, very nice. हाथ को नीचे लाएंगे, drop करेंगे. Next stretch के लिए आपको left hand से right knee को hold करना है, hold your right knee to left hand, this. Inhale करते हुए right hand को ऊपर ले जाएं, exhale करते हुए left side bend करना है. Bend properly, properly bend, 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 proper पूरा जाइए, yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, inhale up. अब यही क्रिया राइट साइड, सो राइट लेफ्ट नी को राइट हैंड से पकड़िए, लेफ्ट हैंड ऊपर ले जाइए, एंड एक्सहेल करते हुए राइट साइड बैंड कीजिए, ऊपर देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and inhale up. Very nice. अभी ट्विस्ट करके, सो लेफ्ट हैंड को पीछे रखें आप कमर के, लेफ्ट नी को राइट हैंड से होल्ड करें, एंड राइट हैंड का सपोर्ट लेते हुए पूरी तरह ट्विस्ट करें, 1, ब्रीथिंग करते रहे होल्ड करें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, inhale up. Now, same practice, right side, left hand से right knee को पकड़े, right hand पीछे ले जाए, सांस भरते हुए खींचे हैं सांस छोड़ते पूरी तरह ट्विस्ट करें, 1, हर एक्सलेशन में थोड़ी थोड़ी ट्विस्टिंग इंप्रूव करें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनहेल सेंटर में आएंगे। अब आप दोनों हाथों को कमर के पीछे लॉक करेंगे, सांस छोड़ते हुए पूरा फॉरवर्ड बेंड करेंगे, सांस भरिए यहां, इनहेल एक्सहेल करते हुए पूरा फॉरवर्ड बेंड करें, जितना आराम से हो सकता है हाथ को ऊपर उठाइए, स्ट्रेच कीजिए, One, two, three, four, five. Inhale up. एक बार और, फिर से सांस छोड़ते हो पूरा फॉरवर्ड बेंड करें, One, two,
three, four, five. Inhale up. बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि उनकी उंगलियां फिसलती रहती हैं, तो आप रिस्ट भी पकड़ सकते हैं. यू कैन होल्ड रिस्ट आल्सो लाइक दिस. ये सारे अभ्यास को करने से आपके स्पाइन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, आपके साइड मसल्स जो साइड फैट है टायर ये कम होगा. साथ साथ अगर कमर दर्द होता है तो कमर दर्द में भी आराम मिलेगा. और इनका 5 मिनट का ये अभ्यास है आप रोज करें, आपके स्पाइन का हेल्थ बहुत ही इंप्रूव रहेगा, बहुत ही ठीक रहेगा. फिर हम किसी और वीडियो में आपसे मिलेंगे. अगर आपको किसी भी टॉपिक पर किसी भी चीज से रिलेटेड कोई बीमारी, किसी पर्टिकुलर आसन की स्ट्रेंथ बढ़ानी हो या जो भी कमेंट आपके मन में आए आप कमेंट करें हमें, हम उस पर एक वीडियो आपको बनाकर आपका मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे. आप सभी के सुझाव आमंत्रित हैं. आशा है यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा. धन्यवाद.